वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। आज ब्लॉग स्टार हो रही है दांग से और मैं जा रहा हूँ काठमांडू गाइस। और टाइम हो गया अभी 6:30 और 6:30 बजे को यहाँ से बस में बैठ चुका हूँ। और मेरे साथ ही विनोद अपना छोटा ब्रदर है, उसको जानते हो कि शायद में ये बचपन में मेरा दोस्त गाइस बहुत साल के बाद मिले। तो गाइस इस बार ना तन्या भी सीट एक को नहीं मिल रही है और बाकी अभी ऐसे बैठा अभी आगे मिलने वाले। तो गाइस अभी टाइम हो गया मतलब 6:30 बड़े लाइटें हैं ना और बटन एसी भी है उधर, बाकी फैन भी ले लो। और गाइस बस का लुक देखिए पूरा इस तरह के, ये आगे कैबिन हो गया उससे आगे, बाकी सवारी फुल पे आगे देखो कार्टून में गुजर रही है पूरा मतलब पूरा पैक है और सुमन सुमन पैक। और सभी विनोद को सीट नहीं मिला है, अभी आगे शायद मिल जाएगा, कहाँ जाके मिलेगा पता ही नहीं। पर तो गाइस यहाँ पर अभी तो मस्त से बैठे हैं ना, और विनोद तो अभी मस्त से बैठा है, बोलो कुछ नहीं होता है इतना तो बनता है बोलो। और अभी देखना थोड़ी देर बाद में इसको नींद आएगी ना, जब रात भर इसमें ऐसे ही बैठना पड़ना तब इसको दिक्कत आएगी। और कैसा लग रहा है फिर कुछ कह देना यार, सीट नहीं मिला तो ठोक डालूंगा ड्राइवर को क्या बोल तूने? और हमारा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में काम है, ये जहीं फॉरन जा रहा है गाइस और फॉरन के लिए वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। और कौन सा जगह जा रहे हैं ये पता भी वो बाद में बता देंगे, कहाँ जा रहा है क्यों जा रहा है किस लिए जा रहा है किसके साथ जा रहा है तो ना भाषा सीट न मिलेर के भन्ने लामो सफर के गरी गर्ने अब हेरौँ रास्तामा के हुन्छ। और यहाँ से गए 500 किलोमीटर के आसपास है, मतलब पूरा राइड ना 500 किलोमीटर डांग से 500 किलोमीटर के आसपास से काठमांडू। और गए काठमांडू में हमें डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट सब सही करने के बाद फिर वापस से बनिए फोटो और पूरा सपोर्ट बनाए रखना है ना गए। और बाकी ब्लॉग भी आएंगे कंटिन्यू, अभी बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग भी पड़े हैं और उधर थोड़ा बहुत घूमने की कोशिश करेंगे, देखते क्या होता है। तो गए अभी हम पहुँच चुके बिजोरी है ना, बिजोरी मतलब दांग से 10 किलोमीटर के आसपास है और प्रॉपर तो पता ही नहीं, ये हॉस्पिटल सामने यहाँ पर बैठा गए नीचे टेबल एकदम मस्त देख कैसा लग रहा है। गाइस बस में ना सफ़र करना ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मेरे को इस बार ना, इस बस में गलत बैठ के। और देख रहे हो मेरा दोस्त इधर कहाँ बैठा है, देखो नीचे एकदम कैसा लग रहा है, कस्ट लगा है तुम्हें? किस्मत टूटी नहीं तो पूरा यो तो कहिले पनि भएन हैन सफर यस्तो। आज तेस्रो पटक हो उता जानलाको, आज यो पहिलोचोटि देख्दैछु मैले यस्तो सिट म बसेर काठमाडौँ जानलाको, के हुन्छ अब बिच बाटोसम्म कसरी पुग्ने अब के दिक्कत हुन्छ अब त्यो त बाकी के छ हेर्दै गरौँ है। कभी मैं नीचे बैठूँगा कभी ऊपर बैठेगा, तब ऐसे करते दोस्त होने का फायदा नहीं तो मेरे को बहुत मारने वाला है। तो गाइस चलते हैं ना, सपोर्ट पैर सपोर्ट बनाए रखें और कुछ दिन के बाद फिर बुटोल के ब्लॉग आएंगे कंटिन्यू है ना, तो वीडियो में बने है ना। और थोड़ा सा प्यार सपोर्ट कर दो यार गाइस नेपाल से भी, अनि नेपाली में बोलने कोशिश गर्छु। अनि साथी हो म चाहिँ फर्स्ट टाइम जानको काठमाडौँ है ना, और इतना लंबा सफर पहली बार कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा नेपाली बिल्कुल भी नहीं बोला जाता गाइस, थोड़ा सा एक लाइन बोलने वाला था फिर पूरा हिंदी बोल देता हूँ। तो गाइस यहाँ से बुटोल की दूरी है अराउंड 250 किलोमीटर और 250 किलोमीटर बुटोल से आगे काठमांडू, और बुटोल लगभग पहुँचेगा रात के 12-1 बजे और खाना भी शायद वो बुटोल के आसपास ही होगी खाना खाने का। और सवारी पूरा पैक है ना, तो चलते हैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं घोराई, और अभी फर्स्ट जो मेन जगह का नाम है ना घोराई, और उसके बाद अभी आगे लमई और लमई के बाद भालुबांग और उसके बाद फिर कपिलवस्तु बुटोल, उससे आगे का पता नहीं मेरे को, जितना अभी जहाँ से ऐसे पहुँचेंगे वैसे ऐसे मैं दिखाता रहूँगा वहाँ के व्यू। ये अभी घोराई का व्यू देख रहे हैं आप लोग, ये रात का समय बाहर को है ना, जितना दिख रहा है गाइस उतना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा। गाइस यहाँ पर किराया लगा है हमारे को 1400 एक बंदे का 1400, दांग तुलसीपुर से बैठे थे और काठमांडू का 1400। और गाइस मेरे साथ सिस्टर है, वो सिस्टर पीछे बैठी है दीदी के साथ, और मेरे सिस्टर का काम भी है उधर ना काठमांडू में, तो हो जाएगा फिर सीधा।
अभी हम 8 बज चुके हैं और पहुंच गए लमई, और लमई का व्यू कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा रात के समय, है ना। और ये अब नेपालगंज का वाला रोड भी मिल चुका है, इसी में लमई से कटता है थोड़ा सा पीछे से, और नेपालगंज वाला रोड भी यही है। और मतलब एन ए चाहिए गाइस, अब काठमांडू जाने के लिए यही है, ऐसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा अब। और इससे आगे आने वाला है अभी भालूबांग, और भालूबांग ऐसे लग जाने कम से कम आधा घंटा भालूबांग पहुँचते, और फिर आगे। तो गाइस रात का व्यू कुछ एकदम मस्त लग रहा है ना, ये चेक दिशा, ये देख रहे हो गाइस भालूबांग, और भालूबांग अभी पहुँच गए हम लोग। और ये देखिए भालूबांग का होटल है ना यहाँ आगे, और यहाँ आगे एक बहुत बड़ा राप्ती पुल देखने को मिल जाएगा आपको। और टाइम हो चुके अभी के 9, कंटिन्यू चले रोटी खाने, शायद बुटोल के आसपास होगी कहीं, तो देखते कहाँ रुकती बनाना। और भालूबांग को बाय बाय करते हुए राप्ती नदी में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर देख रहे हो नदी अब बहुत लंबा मिलने वाला है। बस का नाम जानकी है, हम आए जानकी में, और अभी यहाँ पर रोटी राटी खाएंगे उसके बाद फिर जाएंगे। तो गाइस फाइनली हम बुटोल पहुँचने वाले थे, बुटोल से पीछे हमने रोटी खा ली, और टाइम हो गया अभी ये 11:30, और अब यहाँ पर खाना खा के अब चल रहे काठमांडू की ओर। बुटोल यहाँ से 10-1 किलोमीटर है, उसके बाद फिर पहुँच जाएगी बुटोल। तो गाइस अभी काठमांडू तो कल दिन तक पहुँचेगा, रात भर कंटिन्यू चलने के बाद। तो चलते गए जो आगे कैसे कैसे रोड आने वाली है तो पूरा उतरते। तो गए जब हम बुटोल से निकल रहे हैं अंदर को, है ना, और बुटोल पहुंच गए। बाकी गए जो मेरा रूम तो यही बुटोल में, पर काठमांडू जा रहा हूँ अभी, कुछ काम है ना तब, तो ब्लॉग ऐसे ही बन रही है गए जल्दी जल्दी में ना रात में ढंग से। अब सारे लोग से ढंग से बोला भी जा रहा, क्योंकि अब शोर भी हो जाएगा ना फिर, वो दिक्कत है। तो चलते गाइस सबको गुड मॉर्निंग, और अभी के बज चुके 5 सुबह के, और गाइस यहाँ से स्टार्ट होने लग गया है त्रिशूली नदी का व्यू देखना स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का। अभी अंदर आए, कुछ देर के बाद पूरा उजाला हो जाएगा, फिर अच्छे से व्यू दिखा पाऊँगा बाहर का। तो यहाँ से अब रोड के साथ साथ ही नदी चलेगी त्रिशूली नदी, और गाइस ये बहुत ही बड़ा है और डेंजरस भी, बहुत ख़तरनाक है ना रोड भी, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग जैसे लग रहा है यहाँ पर, और रोड भी थोड़ा ढंग का नहीं है, खड्डे खुड्डे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। दोस्तों अभी चाहिँ हामी चाहिँ पहुँच सक्यौँ मुगलिन बजारमा, एन्टर हुँदैछौँ, और ये बजार एकदम मस्त है गाइज, एन्ड एकदम देख रहे मस्त मस्त व्यू देख्न स्टार्ट हो चुके सुबह के, अभी 6:30 होने वाले। एन्ड गाइज देख रहे हो मुगलिन बाजार से हम जाएंगे आगे को। तो गाइज आज का ब्लॉग इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइज, जो है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, और पार्ट 2 आएगा इसका, और वीडियो फुल काठमांडू तक, फिर काठमांडू के आसपास के पशुपति टेम्पल एंड आसपास की जगह के बहुत सारे वीडियो आने बाकी है। तो सपोर्ट करो गाइस, है ना, आप लोगों ने की वजह से 1K सब्सक्राइब तो हो गए, एंड बहुत बहुत थैंक यू सबको, है ना, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। एंड गाइस मैं भी ऐसे ही आगे काम करते जाऊँगा, तभी मज़ा आएगा काम करने में। तो इस वीडियो में कम से कम व्यूज़ आने चाहिए गाइस 1000+ तो आने चाहिए व्यूज, है ना, इतना तो बनता है, सब शेयर करूँ, है ना। और साथी और लव फिर ठीक से, बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज लाइ ये हई वीडियो।